आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे चुनिंदा इजी और इफेक्टिव योगासनों का अभ्यास, जिनकी मदद से आपकी पूरी की पूरी एब्डोमिनल वॉल मजबूत होगी, जिससे आपकी किडनी का फंक्शन, इंटेस्टाइन का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, ये सारे फंक्शंस दुरुस्त तो होंगे ही होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा जिनके कि पेट में बहुत गैस बनती है। बहुत से लोग कुछ खाना ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पेट हमेशा भरा भरा फूला फूला सा रहता है, जिनकी वजह से उनको बड़ी असुविधा महसूस होती है, कुछ भी काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। इसके इलाज के लिए योगासन तो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी जो कि इस समस्या से निजात पाने में आपको बहुत मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो कभी भी डालूं या लाइव कभी भी आऊं उसका अपडेट आपके मोबाइल पे हमेशा मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना, तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें और आपको इन क्लासेस के बारे में सारी डिटेल भेज दी जाएगी। आज की डेट में मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उनको गाइड करती हूँ, अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करवाती हूँ, सो दैट वो अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर सकें, चाहे जॉइंट पेन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ की समस्या, थायराइड की समस्या, PCOD, PCOS की प्रॉब्लम, ताकि वो ज़िंदगी भर योग का अभ्यास कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों आज की सारी प्रैक्टिसेस आराम से अपनी मैट पर लेट के कीजिएगा, इसीलिए ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की भी ज़रूरत नहीं है और हम अपनी एब्डोमिनल वॉल्स को मजबूत भी कर लेंगे। तो आराम से अपनी मैट पर लेट जाएं शवासन में, इस तरीके से दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लें और हाथों को भी बॉडी के साइड में रख लें और पूरी तरीके से रिलैक्स होकर लेट जाएं। अब दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें ऐसे, और दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे के साथ, हील को एक दूसरे के साथ जोड़ लें। सबसे पहले मैं थोड़ा जेंटल वार्म अप बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। एक एक पैर से अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। सांस लें गहरी लंबी, राइट लेग आप 90 डिग्री, और सांस छोड़ते हुए राइट पैर को ड्रॉप कर दें ऐसे। सांस लें राइट लेग आप 90 डिग्री, और सांस छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर दें। इसका अभ्यास मैं आपको अभी 5 राउंड करके बता रही हूँ। आप सभी को इसका अभ्यास कम से कम 10 या 20 राउंड करना है। 2 बार और इनहेल, राइट लेग आप टुवर्ड द सीलिंग, एंड एज यू एक्सहेल स्लोली स्लोली अपने एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करके रखिए। राइट लेग आप टुवर्ड द सीलिंग एंड ड्रॉप कर दे राइट पैर को डाउन मैट पर ऐसे, इस तरीके से धीरे धीरे। अब लेफ्ट पैर से इसी तरीके से जितना कंट्रोल के साथ ऐसे धीरे 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 इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री उठाएं, और इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री धीरे धीरे ऐसे करके ड्रॉप कर देंगे। बहुत से लोग इसका अभ्यास ऐसे करेंगे, ये तो ये चीज़ नहीं करें। बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे उठाएं 90 डिग्री, एंड सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें। 2 बार और इनहेल एंड स्लोली 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 एक्सहेल। अगर आपका पैर बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप अपने घुटने को भी हल्का सा ऐसे बेंड करके ये अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हमने एक एक पैर से थोड़ा वार्म अप कर लिया है, अब वापस से सिंगल लेग रेसेस ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन इसमें ऐड कर देते हैं। गहरी लंबी सांस ली, राइट लेग आप सीलिंग की तरफ, लेफ्ट लेग ऑल्सो आप सीलिंग की तरफ। इससे थोड़ा सा पेट पर और आप चैलेंज महसूस करेंगे। राइट लेग धीरे 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 डाउन, एंड लेफ्ट लेग ऑल्सो धीरे 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 डाउन, सांस छोड़ते हुए 5 बार करके बता रही हूँ। सांस लिया 90 डिग्री आप 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 आप, और लेफ्ट लेग आप 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 90 डिग्री उठा लिया ऐसे। सांस छोड़ते हुए राइट लेग डाउन एंड लेफ्ट लेग डाउन। इनहेल 90 डिग्री आप, लेफ्ट लेग ऑल्सो आप, राइट लेग डाउन एंड लेफ्ट लेग डाउन। अगर आप इसका अभ्यास करते रहते हैं ना, तो पेट के आसपास की जो चर्बी है वो भी कम होगी, और साथ ही खाना अच्छी तरीके से पचेगा, पेट की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होगी। 1 बार और गहरी लंबी सांस ली,
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एक एक करके दोनों पैरों को ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो जिन भी लोगों को अगर आगे जो मैं दोनों पैरों से बता रही हूँ प्रैक्टिस वो ना आ पाए, तो इन दोनों प्रैक्टिसेस को एक एक पैर से कर लें, क्योंकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं या कोई हेल्थ कंडीशन है वो दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों प्रैक्टिसेस कर लें। अब इसको करने के बाद फिर रेस्ट कर लें। हर एक प्रैक्टिस के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट ज़रूर किया करें, बैक टू बैक कोई भी प्रैक्टिस ना किया करें। अब अगला अभ्यास करते हैं, दोनों पैरों को वापस से एक दूसरे के साथ जोड़ें। अब ये प्रैक्टिस जो बता रही हूँ ये थोड़ी चैलेंजिंग है, और ये सारी प्रैक्टिसेस अभी जो भी बता रही हूँ ये सारी आपकी एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए है, और पूरे के पूरे पेट के मसल्स को आपकी मजबूती देने के लिए है। दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा, धीरे धीरे दोनों पैरों पर, पेट पर इसका जोर आएगा यहाँ पे, इससे आपके जननांग भी मजबूत होंगे, यूट्रस भी मजबूत होगी, आपके चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपके जननांगों पर इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। सांस लें गहरी लंबी, धीरे 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 90 डिग्री आप दोनों पैरों को ऐसे उठाया और होल्ड किया, और सांस छोड़ते हुए डिग्री बाय डिग्री, डिग्री बाय डिग्री, डिग्री बाय डिग्री ऐसे धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे ड्रॉप कर देंगे। सांस लें 1 2 3 4, 90 डिग्री उठा लिया, और ड्रॉप करने पर भी ऐसे ही कंट्रोल 1 2 3 and 4, ऐसे गहरी लंबी सांस ली 1 2 3 4, लेग्स टुवर्ड्स द फुट टुवर्ड्स द सीलिंग छत की तरफ, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे ड्रॉप कर दें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे रही हूँ कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंज आ रहा है और पैर उठाने में बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो दोनों हाथों को ऐसे हल्का सा एल्बो से मोड़कर ऐसे कमर के नीचे उंगलियों को, पूरा हाथ मत अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, ऐसे हल्की सी उंगलियों को ऐसे कमर के नीचे रखिएगा, फिर पैरों को सीधा कर लीजिएगा। जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है ना वो भी ऐसे हाथों को टक करके अभ्यास करेंगे। गहरी लंबी सांस ले, धीरे 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 इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री ऐसे, और फिर उसके बाद धीरे 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 कंट्रोल के साथ सांस को ऐसे छोड़ के दोनों पैरों को ऐसे ड्रॉप कर दें। समझ गए ना, जब हाथ को टक कर लेंगे तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी आपके लिए और आसान हो जाएगी। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ड्रॉप कर दिया, लेग सपाट हैंड सपाट। इस प्रैक्टिस को अगर आप हर रोज़ करते रहते हैं ना दोस्तों, तो आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा ही, पेट के आसपास की जो चर्बी है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी आपकी। रिलैक्स करें। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं हाफ पवन मुक्त आसन का। इसका अभ्यास किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। तो सबसे पहले दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ लिया, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में लेके आए। अब पहले अभ्यास राइट पैर से कर रहे हैं, तो राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लिया है ना, ऐसे घुटने से मोड़ ले, और दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करें एक दूसरे के साथ, ऐसे फंसा दें ऐसे, है ना, ऐसे फंसा के, और अपनी शिन बोन यानी घुटने से नीचे ऐसे हाथ को रखें और दोनों एल्बो को सीधा रखें। अब अपने थाई को, थाई का दबाव अपने पेट पर महसूस करें। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नाक को अपने घुटने से लगा दिया, सांस को रोक के रखिए 1 2 3 4 5, और फिर धीरे धीरे सांस लीजिए हेड डाउन ऐसे। तो इसको कम से कम आपकी क्षमता के अनुसार है, 5 सेकेंड रोकना है या 10 सेकेंड रोकना, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अब वापस से दोनों पैरों को ऐसे अपने राइट पैर को हाथ को उंगलियों पे फंसाया, वापस से अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसाया अपने शिन बोन के ऊपर रखा, गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 हेड अप, और थाई का दबाव पेट पर महसूस करें और नाक को अपने घुटने से लगा के रखें और होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अपने हेड को ड्रॉप कर दें। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप 5 या 10 सेकेंड नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, आपको बड़ी ही दिक्कत आ रही है, तो इसका अभ्यास कम से कम जितने देर तक रोक सकते हैं उतना रोके। यानी कैसे, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए बस नाक को ऐसे टच किया और फिर सांस लेते हुए वापस। अब बहुत से लोगों को ये भी होगा कि इस आसन का अभ्यास हम थोड़ा 1 मिनट तक होल्ड करना चाहते हैं, तो सांसों की स्थिति क्या होगी, सांस लिया
सांस छोड़ दिया, नाक को अपने घुटने से लगाया और यहाँ पर रोक के रखे। जब आप पॉस्चर को ज़्यादा देर तक रोक रहे हैं तो सांसों को नॉर्मल लेते रहें, छोड़ते रहें और फिर उसके बाद सांस लेते हुए हेड डाउन। अब इसी तरीके से लेफ्ट पैर को भी 3 बार अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाएं, शिन बोन पर रख लें, सांस लें गहरी लंबी। अपने राइट पैर को मैट पर ही रखिएगा, ऐसे उठा मत लीजिएगा, इसको मैट पर ही रखिएगा। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नाक को घुटने से लगा लें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 सांस ले लें, हेड डाउन कर दिया। दूसरी बार अब 10 सेकेंड का होल्ड कर रही हूँ। सांस लिया, सांस छोड़ा, ऐसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड हेड डाउन। ऐसे एक बार और गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए थोड़ा ज़्यादा देर तक इस पॉस्चर को होल्ड करें, कम से कम 20, 30, 60 सेकेंड, जितना आपकी मर्जी हो, सांस नॉर्मल लेते रहेंगे। सांस लिया, सांस छोड़ा, ऐसे दबाव बना के रखें अपनी थाई का अपनी बेली के ऊपर, सांसें नॉर्मल लेते रहें, सांस लेते हुए हेड को अपने ड्रॉप कर दें। तो ये हो गया अर्ध यानी हाफ पवन मुक्त आसन यानी विंड रिलीविंग पोज। तो इसका अभ्यास करने के बाद फिर आराम से शवासन में वापस से लेट जाएं और अपनी पूरी बॉडी को आराम दें और अपनी थाई का दबाव जो आपके पेट पर पड़ा है इसको भी ज़रा फील करके रखें कि क्या दबाव पड़ा है और रेस्ट करें। दोस्तों अगर इन योगाभ्यासों के साथ साथ आपको पता हो कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ तो ना सिर्फ आप अपना बल्कि आप अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ ये ऑडियो बुक जिसका नाम है आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़। इसमें कई सारे ऐसे घरेलू नुस्खे आपको बताए गए हैं जिससे कि आप कॉमन बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं, जैसे कि कभी सर्दी खांसी जुकाम हो जाना, पेट से जुड़ी समस्याएं, मुहासे हो जाना, ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान आप अपने घर पर कर सकते हैं। कुकू FM भारत में ही निर्मित एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी पसंद की कोई भी किताब आप अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। कुकू FM का साल भर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का होता है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड YWS50 इस्तेमाल करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको मात्र 199 रुपए पे करने होंगे। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको जाके जरूर देखिएगा। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है पवन मुक्त आसन। इस आसन का अभ्यास बड़ा ही लाभदायक है, पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स को बहुत गहरी मसाज देगा जिससे कि किडनी का फंक्शन, आपके इंटेस्टाइन का फंक्शन, आपके स्टमक का फंक्शन, आपके लिवर का फंक्शन, ये सारे फंक्शंस दुरुस्त हो जाते हैं और इसका इफ़ेक्ट आपके हार्ट और लंग्स के फंक्शन पे भी बहुत अच्छा पड़ता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, वो भी काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबल होती है। तो दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लें, घुटने से मोड़ने के बाद आपकी दोनों थाई को बेली की तरफ ऐसे धीरे धीरे लेके आएँ और दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसा के घुटने से नीचे यानी शिन बोन पर रखें। अब यहाँ पर ऐसा दबाव डालने के बाद ऐसे थोड़ा सा रुक जाएं, आपकी थाई का दबाव पेट पर महसूस करें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने की तरफ लेके जाएं और सांस को रोक के रखें। 1 2 3 4 5 सांस ले लें धीरे धीरे, हेड डाउन चेस्ट डाउन और पैरों को रिलीज़ कर दें। थोड़ा यहाँ पे रुक जाएं क्योंकि जब आप सांसों को ज़्यादा देर तक रोकें तो कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे रेस्ट करें, रिलैक्स करें, फिर दूसरी बार जब इस आसन का अभ्यास करें वापस से। अब इस बार मैं 10 सेकंड इस पॉस्चर को होल्ड कर रही हूँ। तो दोनों पैरों को वापस से घुटने से मोड़ लिया, थाई को बेली की तरफ लेके आ गए, दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर लिया, थाई का दबाव पेट पर बना के रखें। इस दबाव से ही आपकी पेट में जो भरी हुई गैस है ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हेड टुवर्ड्स योर नी एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करते हुए बस
अब वापस से कुछ देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करें, क्योंकि दोनों पैरों से आपका पेट पर अच्छा दबाव था, छाती पर भी अच्छा इफेक्ट आया, तो नॉर्मल थोड़ा ब्रीदिंग कर ले बैक टू बैक, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस ना करें। अब हम थर्ड राउंड करेंगे, इस पॉस्चर को कम से कम 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे ताकि आपको उसमें भी ब्रीदिंग का समझ में आ जाए। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ा, अपनी थाई को बेली की तरफ लेके आ गए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, गहरी लंबी सांस ली और सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को घुटने से लगा लिया। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करें आप और अपनी पेट पर दबाओ, अपनी बेली का महसूस करें। जितनी देर, जितना आपका कंफर्ट है उतनी देर आप इस पोस्चर को होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद धीरे धीरे हेड डाउन, चेस्ट डाउन, और अपने पैरों को भी आपने मैट पर ऐसे ड्रॉप कर दिया। अब दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखें और दोनों पैरों को ऐसे घुटने से सीधा करके आराम से शवासन में लेट जाएं। अब अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों को वापस से ऐसे घुटने से मोड़ लें और दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे अपने शिन बोन पर रख लें। अब जरा लुढ़कना शुरू करेंगे, झूलना शुरू करेंगे। तो लुढ़कने के लिए सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, पहले अपने लेफ्ट साइड लुढ़क गए, फिर राइट साइड ऐसे लुढ़क गए ऐसे। लेकिन इसके लिए आपको पेट में थोड़ा सा मजबूती जो है वो बना के रखनी पड़ेगी। तो ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ दिया, दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड ऐसे। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी मसाज मिल रही है आपके पेट को ऐसे। तो ये हो गया, दोनों साइड हम लुढ़क गए और अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें। हर एक प्रैक्टिस के बाद यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। कम से कम एक मिनट का रेस्ट तो हर एक पोस्चर के बाद आप ले ही रहे हैं और शवासन में लेट ही रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब अगले अभ्यास के लिए वापस से दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लें और दोनों हाथ की उंगलियों को वापस से ऐसे फंसाएं और हम अब झूल एक दूसरे की तरफ, तो लुढ़कना कर लिया, अब हम झूल रहे हैं ऐसे, स्विंग कर रहे हैं, पवन मुक्त आसन स्विंग। सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा। इससे आप देख रहे हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड पूरी की पूरी, गर्दन पूरा का पूरा, आपके शोल्डर पूरे के पूरे, कितनी अच्छी इनको मसाज मिल रही है पीछे ऐसे, और आपको मज़ा भी बहुत आएगा इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे। अब जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चैलेंज देना चाहती हूँ। वो चैलेंज ये है कि आप करें या ना करें, ये आपके लाइक कंफर्ट के ऊपर है। तो ये चैलेंज किस तरीके से होगा ज़रा देखिए। वैसे जैसे पवन मुक्तासन कर रहे थे, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसा लिया, फिर ऐसे स्विंग किया। स्विंग करने के बाद आपको खड़े हो जाना है, ऐसे स्विंग करें और खड़े हो जाएं। इस तरीके से मज़ेदार था ये चैलेंज। आई एम श्योर कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया तो इसके लिए आपकी गजब की कोर स्ट्रेंथ यानी पेट की मजबूती, एब्डोमिनल वॉल्स का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर काम कीजिए और ये काम एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे 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 करके हर दिन काम कीजिए, एक दिन आप अपनी पेट पर, कोर पर गजब की स्ट्रेंथ डेवलप कर लेंगे। अब बात आती है उस बोनस टिप की जो मैंने आपके वीडियो के शुरुआत में कही थी बताने के लिए। तो वो बोनस टिप ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो खाना भर पेट ना खाएं, खाना हमेशा मॉडरेशन में खाएं। गलती ये होती है कि हम पूरे दिन खाते रहते हैं और हमें ये नहीं पता कि हमें कब स्टॉप होना। तो होता क्या है कि पिछला जो खाना खाया वो अच्छी तरीके से पचा नहीं,
आपकी आँख से, आपकी इंटेस्टाइन से पूरी की पूरी प्रक्रिया करके आगे बढ़ा नहीं और दूसरे टाइम का खाना आ गया, तीसरे टाइम का खाना आ गया और इस बीच बीच में हम काफ़ी सारी स्नैकिंग करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो अब इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है कि खाना हमेशा मॉडरेशन में खाना है। तो आपके पेट का जो एक हिस्सा है, आधा हिस्सा तो खाना खाएं, आधा हिस्सा पानी के लिए और आधा हिस्सा वायु के लिए छोड़ दें, ताकि इन सारे के सारे खाने का, पानी का और वायु का मूवमेंट होता रहे और आपका खाना हमेशा डाइजेस्ट होता रहे। आप हमेशा देखेंगे, कुछ ही दिनों ये मॉडरेशन को अपना के देखिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में गैस बनना कितना कम हो गई है और पेट पर जो वो भारीपन लगता था ना, वो भारीपन भी कम हो गया है। देखा आपने कितना आसान है ना इन योगासनों का अभ्यास और इस टिप्स को फॉलो करना। आई एम श्योर कि ये योग अभ्यास और इस टिप्स को फॉलो करके अब आपके पेट में जो गैस बनने की समस्या है उसको आप बहुत हद तक कम करके इसको क्योर भी कर सकते हैं। तो आप सभी इन योगासनों का अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको इन अभ्यासों को करके, और जब आप इस कंडीशन से उबर जाएं तब भी मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्ते।